स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडेज केमिस्ट्री क्लास वी विल कंटिन्यू इन द हाइड्रोकार्बन। एज यू नो दैट न्यू चैप्टर हैज बीन स्टार्टेड, दैट इज हाइड्रोकार्बन। एंड यस्टरडे वी कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स, देन स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। In preparation of alkanes, we saw the different methods such as reduction, addition, okay, and reduction and substitution reaction, ठीक है। तो कल हमने preparation में देखा कि किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन से, एल्किल हैलाइड से, हैं वुड्स रिएक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन से कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कोल्बी बाई कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, बाई कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट एल्केन ऑफ इवन कार्बन नंबर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड NaOH इन सॉल्यूशन। ओके, इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्केन इज प्रोड्यूस ऑन एनोड, और यू कैन से एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, H2 इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है कि प्रिपरेशन करते हैं। अब हम रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं 2CH3 COONa प्लस 2H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस CH3 प्लस NaOH, 2NaOH प्लस CO2 प्लस H2, दिस इज द प्रोडक्ट। तो हम कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी हम एल्केन बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ले करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसके अंदर कैथोड एनोड, फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन प्रोड्यूस होंगे एनोड के ऊपर,
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड के ऊपर, जबकि हमारा जो NaOH है वो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। ओके, हम नेक्स्ट जो मेथड हम लोग प्रिपरेशन का देखेंगे फ्रॉम फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, यहाँ पे जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव, दियर डेरिवेटिव मेटिव्स गिव अल्केन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इन अ सील्ड ट्यूब, इन अ सील्ड ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, जैसे एमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एस्टर है, ये सब के सब क्या है, ये सभी जो है कि डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव भी जो है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस में रिड्यूस हो करके क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हैव यू नोटेड दिस, नोट डाउन, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले हम लेते हैं कोई अल्कोहल ROH, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 2HI और यहाँ पे हमारा रेड फास्फोरस, तो ये बन जाता है RH यानी एल्केन प्लस H2O प्लस I2। ठीक है, ऐसे कि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, डबल बॉन्ड OH, ओके, यहाँ पे हम 2HI ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड फास्फोरस में सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा RCH3 प्लस H2O प्लस I2। ओके, यहाँ पे हम लेंगे 4HI। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी तरह कीटोन से ले सकते हैं, CR(OH), यहाँ पे HI, रिएक्शन बाद में बैलेंस कर लेंगे हम लोग, रेड फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम
थ्री, ठीक है, यहाँ पे टू एस टू, टू आई टू हो जाएगा, रेड फास्फोरस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आर सी एस टू आर बन जाएगा प्लस एस टू ओ बनेगा एस टू ओ और प्लस आई टू। अब अगर हम यहाँ रिएक्शन बैलेंस कर लें तो यहाँ पे जाएगा फोर एच आई, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट डाउन, हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं सभी रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड से जो है कि एल्केन देंगे, ठीक है। बस ये है कि अगर हम कोल्बे रिएक्शन करते हैं, पूर्स रिएक्शन करते हैं तो उसे हमें इवेन नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इवेन नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोरी हाउस रिएक्शन कराएं, जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, मगर इस मेथड से भी हम इवेन और ऑड दोनों तरह के एल्केन पा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम उल्ट किशनर रिएक्शन, फ्रॉम उल्ट किशनर किशनर रिएक्शन, उल्ट किशनर रिएक्शन फ्रॉम उल्ट किशनर रिएक्शन। उल्ट किशनर रिएक्शन से हम कैसे करेंगे? ठीक है, उल्ट किशनर रिएक्शन से वैसे जैसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन किए थे वैसे यहाँ पे भी रिडक्शन रिएक्शन होगा, मगर यहाँ पे हम हाइड्राजीन लेंगे, ठीक है। ये हाइड्राजीन के थ्रू जो है कि हम इसको करते हैं। आई बात सुनिए, ये दो स्टेप का रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन रिएक्शन इन विच कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इनटू इमीन देन इनटू एल्केन। ओके, पहले इमीन बनेगा कार्बोनिल ग्रुप, पहले यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी किस तरह से होगी अभी हम लोग देखेंगे। डबल बॉन्ड NH NH2, फिर उसके बाद ये जो है हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे, कोई भी कार्बोनिल ले लेते हैं। R की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाइड्राजीन लेंगे H2N-NH2, ठीक है। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा,
ठीक है, तो क्या बनेगा, एमीन बन जाएगा। यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा माइनस एस टू, तो बन जाएगा एमीन आर सी आर डबल बॉन्ड एन एन एस टू प्लस यहाँ पे हमारा है हो जाएगा एस एस टू, तो हमने दिखाई दिया। और इसको हम जो है कि ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे के वी एच के साथ। यहाँ पे हम लोग ग्लाइकॉल लेंगे, के वी एच एल्कोहलिक के वी एच कह सकते हैं, लेकिन लेंगे हम लोग ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल भी एल्कोहल की तरह से होता है, मगर फोर थ्री थर्टी फाइव टू यस यस फोर थर्टी फाइव टू फाइव सेवेंटी थ्री कैल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से ये माना जाएगा कि आर सी एस टू आर बन जाएगा और प्लस एन टू गैस निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी, यहाँ पे हमने कीटोन लिया था, कीटोन हम किसी कार्बोनिल के साथ कर सकते हैं, उसको हमने इमीन में कन्वर्ट किया, ये हमारा इमीन बना है इमीन। और इस इमीन को हम एल्कोहलिक के वी एच लेकर के 435 से 573 केल्विन पे हीट किया, तो यहाँ से हमारा अल्केन बन गया। अब यहाँ पे हम किसी भी तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लिया, ओ नीचे का तो ये दिख नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको रिलीज करेंगे हम। इसको इरेज करते हैं और हमारा जो लास्ट में इमीन बना था सी डबल बॉन्ड एन एन एच टू, ये जो है क्यू एच ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में एक एल्कोहलिक कंपाउंड है ग्लाइकॉल, और 435 टू 573 केल्विन पे यहाँ पे नाइट्रोजन लॉस होगा, नाइट्रोजन निकलेगी और यहाँ पे सी एस टू आर बन जाएगा प्लस एन टू गैस निकलेगी। अब सपोज कि हम लेते हैं एसीटोन, यूज दिया कन्वर्ट कन्वर्ट एसीटोन इनटू इनटू प्रोपेन इनटू प्रोपेन, या पूछते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन। तो हम यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं, ये एसीटोन का फार्मूला है, प्रोपेनोन इसी को बोलते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्राजीन ले लिया NH2, हम इसको इस तरह से ले लेते हैं H2N डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा हाइड्राजीन है हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन को हम यहाँ पे हीट किए तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से निकलने वाला एमीन बन जाएगा, ये हमारा बन गया एमीन डबल बॉन्ड एन एन एच टू। अब इसको हम जो है कि के वी एच प्लस ग्लाइकॉल ले लेंगे और यहाँ टेम्परेचर रखेंगे 435 टू 573 केल्विन, तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन। अब देखिए यहाँ बन गया प्रोपेन, ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3 और इसके साथ N2 गैस
निकल गई। इस तरह से हमने प्रिपेयर वर्क कर लिया, ठीक है, वुल्फ किस्नर से। तो फिर से एक बार बता दें कि अगर हमें जो है कि ऑड नंबर में बनाना है तो हमारे पास पूरी हाउस है, हमारे पास वुल्फ किस्नर है, हमारे पास जो है कि हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फास्फोरस में कराएंगे तो भी ऑड नंबर आप एल्केन मिल जाएगा हमको। तो अगर इवन नंबर बनाना है तो हमारे पास दो मेथड है, एक कोल्बी रिएक्शन है और एक वुड्स रिएक्शन है। अगर ऑड नंबर हमें बनाना है तो हमारे पास वुल्फ किस्नर, ठीक है, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस बाई HI एंड कोरी हाउस मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कि ऑड इवन कार्बन नंबर के प्रोडक्ट पा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, कुछ और मेथड अभी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट हो गया, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। लेट्स इरेज दिस। नाउ यू विल सी हियर फ्रॉम द कार्बाइड। कार्बाइड से किस तरह से ये बनता है हम ये देखेंगे। एल्यूमिनियम कार्बाइड एएल, Al2ClC3, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मुझे पहले रिएक्शन कर लेते हैं फिर बैलेंस कर लेंगे इसको। तो हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस जो है कि यहाँ पे CH4 बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे जाएगा 9H2O, ठीक है, 6H2। तो ये हमने देखा एल्यूमिनियम कार्बाइड से वाटर के थ्रू हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हमको मीथेन मिला। नोट कर लीजिए फटाफट। अगर इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे Al4C3 लेते तो क्या होगा, C6, और यहाँ पे हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल को, फिर यहाँ पे हमारा ये डबल, ये भी हो जाएगा, सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी, OH होल थ्राइज हो जाएगा और यहाँ पे 6H2 हो जाएगा, 6CH4 हो जाएगा। यहाँ पे 3CH4 होगा, ठीक है, 3CH4 ही बनना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बेरियम कार्बाइड ले लेते हैं। बेरियम कार्बाइड तो ये B2C ले लेते हैं अगर, और यहाँ पे H2O रिएक्शन बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड OH4 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे CH4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 2 4 4 and 4 8 and 4 H2O, ठीक है। तो इस तरह से हम बेरियम कार्बाइड एल्युमिनियम कार्बाइड से हम एल्केन बना सकते हैं, जिसमें हमने मीथेन गैस बनाई है। क्या बनाया है, मीथेन गैस। कार्बाइड से इस तरह से हम लोग जो है कि एल्केन बना सकते हैं। कुछ और मेथड भी देख लेते हैं। कोरी हाउस रिएक्शन, ओके, नेक्स्ट हमारी रीडिंग हो जाएगी कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन
स्टोरी हाउस रिएक्शन। इस रिएक्शन के मेथड से भी हम लोग जो है कि पा सकते हैं इवन अन इवन जो है कि यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, चलिए तो हम इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ पे हम लोग पहले जो है कि एक एल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कोरी हाउस। इन दिस मेथड, बाय दिस मेथड, दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर, by this method we can prepare alkenes having odd number of कार्बन एटम। ओके, और नंबर ऑफ कार्बन एटम हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम एल्किल, कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसको लिथियम से रिएक्शन कराते हैं और ईथर में, एकदम उसी तरह से जैसे वुड्स रिएक्शन हम लोग किए थे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि ये तीन स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो पहले हम यहाँ पे जो है कि रिएक्शन कराएंगे आर एक्स से, और यहाँ पे एल आई लिथियम लेंगे टू, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आर एल आई प्लस एल आई एक्स। अब इस आर एल आई को हम कॉपर से रिएक्शन कराएंगे सी यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि एक प्रोडक्ट बनेगा लिथियम आयोडाइड से, सॉरी कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, कॉपर आयोडाइड से। ठीक है, सी यू आई से, तो यहाँ पे बन जाएगा एल आई आर टू सी यू। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको हम अभी देखिए, यहाँ पर हमने कार्बन क्या रखा है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंबाइंड प्रोडक्ट बना है हमारे पास एल आई आर टू सी यू, इसको हम एक ऐसे हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जो कि ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आर, यहाँ पे टू कर देंगे, तो यहाँ पे टू आर आर डैश हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉपर हैलाइड लिथियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जरा देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे और नंबर का बना है। पहले हमने क्या किया, लिथियम के साथ रिएक्शन कराया, लिथियम प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एल्किल लिथियम बन गया, और फिर एल्किल लिथियम का हम रिएक्शन आयोडीन के साथ कराया, कॉपर आयोडाइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना। इसको हम फर्दर जो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराया, तो हमारा यहाँ पे और नंबर वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होता है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन की जगह पे ये सारा रिएक्शन हमने ईथर में करवाया है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये डिफरेंस है जो है कि हम कॉपर की जगह पे आयोडीन कैडमियम भी ले सकते हैं, कॉपर की जगह पे कैडमियम भी ले सकते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पे लिया CH3 CH3X ले लिया,
और यहाँ पे लिथियम, टू लिथियम ले लिया ईथर के साथ, ठीक है, ईथर के साथ। तो यहाँ पे हमारा बन गया CH3Li, मेथिल लिथियम बन गया, यहाँ पे LiX बन गया, हमें इससे मतलब नहीं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, CH3Li ले लिया और यहाँ पे CuI, ठीक है, CuI2। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, Li CH3 twice plus Cu, ठीक है। अब इसी को हम फर्दर, अब यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अब इसको हम फर्दर अगर रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे टू है, फिर CH3 हम कुछ भी ले सकते हैं आई से, तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कुछ भी सपोज कि हमने Cl ले लिया, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH3 और प्लस लिथियम क्लोराइड, ओके, प्लस CuCl। ये प्लस से हमें मतलब नहीं है, मेन प्रोडक्ट से हमसे मतलब है, ठीक है। यहाँ पे तो कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ भी कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हमने कोई एल्केन लिया, एल्केन एलाइड, उस एल्केन एलाइड को लिथियम से ईथर में रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट बना, फिर कॉपर से रिएक्शन कराया तो हमारा ये प्रोडक्ट बना। अब इसको फर्दर हमने रिएक्शन कराया तो तीन कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से पोरी हाउस से भी हम बना सकते हैं, क्या पोरी हाउस की मदद से हम बना सकते हैं ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। एल्केन का हमने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन से मिलेंगे लेके। हैव अ नाइस डे।